हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब आए सब बच्चे होंगे। सो गाइस, आज है 10 फेब 2024। सो गाइस, ये जो व्लॉग है आज का, हमारा वीडियो भी कह सकते हो, जो हमारी वीडियो है वो है 2 मंथ्स पुरानी। वो तब की वीडियो है, तब हम आए थे दीपावली पे, छुट्टी थी दीपावली की और हमें नेक्स्ट डे वापसी जाना था, क्योंकि उस दिन था वर्क फ्रॉम होम। तो हम उस दिन निकले थे घर से और हम कैसे कैसे पहुँचे, हमने कैसे ट्रेवल किया यूपी से, यूपी बिहारा से दिल्ली। तो मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सो गाइस, इस वीडियो की जर्नी तो स्टार्ट हो गई थी हमारे घर से ही, बट मैंने रियलाइज़ किया एडिट करते हुए कि मेरा इतना फेस उतरा हुआ था ना कि मैं दिखाई नहीं सकती थी आप लोगों को। मैं घर से निकलने के लिए जब मैंने वीडियो शूट की ना भाई, तो मैं बता नहीं सकती मेरा फेस कैसा ही हो रखा था, बिल्कुल सैड एकदम, रोने के लिए तैयार होते ना बंदे वैसे। तो हमने यहाँ से स्टार्ट की है, हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी यूपी से, यूपी बुढ़ाना मुजफ्फरनगर जिला से। उसके बाद हम निकल गए और जीजू गए थे मुझे छोड़ने के लिए दिल्ली बस अड्डे तक। तो हम जा रहे थे बाइक से और सर्दियों के दिन थे, एकदम दिसंबर का मंथ था और ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही, तो मैंने अपने आप को कवर कर रखा था। और ये रास्ता जो है ना गाइज, ये रास्ता लगभग 3 साल से हम हर हफ्ते देख रहे हैं, हर हफ्ते। अभी तो फिलहाल मैं कम हो गया है मेरा, 1-2 महीने से आना, बट क्यों देख रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जब से मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था दिल्ली GTV हॉस्पिटल में, तब से हम इसी टनल के रास्ते को, इस गंदे से रास्ते को 3 साल से हर हफ्ते आते जाते रहते हैं। क्योंकि ये जब ये ब्रिज बन रहा था ना, और जितना ये ऊपर है उतना नीचे खुदा हुआ था, तब से हम जाना स्टार्ट कर रहे हैं। और 3 साल बाद ये कुछ इतना बन चुका है, और अभी अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी कुछ काम के लिए डेली, तो अभी हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी हमें हॉस्पिटल नहीं जा रहे। सो गाइस, मैं भूल जाती हूँ बीच में क्या बोलना है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बाकी अभी हम पहुंचने ही वाले हैं। ये वीडियो मैंने लगातार 4 घंटे मैं ऐसे फ़ोन पकड़ के बनाई है, तो मैं अपने आप को चैलेंज कर रही थी कि मैं 4 से 5 घंटे व्लॉग कर सकती हूँ नहीं, क्योंकि मेरे व्लॉग ना बीच बीच में छूट जाते हैं, तो मुझे लगता है कि क्या पता मैं ऐसे ना पकड़ पाऊँ, ऐसे इस वजह से हो रहा है उस वजह से हो रहा। मैं ना थोड़ी देर हाफ दिन मैंने बना लिया व्लॉग, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करना छूट जाती है मुझसे। उसके बाद हम पहुंच गए थे दिल्ली बस अड्डा और जीजू को मिल गए थे बड़े पापा को दिया। जीजू ने मेरा बैग और हमारा जीजू के साथ यहीं तक का सफ़र दिल्ली बस अड्डा तक। अब यहाँ से मैपालपुर तक का सफ़र करेंगे हम अपने बड़े पापा के साथ में। तो अभी हम जाएंगे बस से यहाँ से आगे, और मेरा बैग लेके बड़े पापा और मैं पैदल ये सुंदर सा आसमान देखते आराम से चल दिए। उसके बाद हम वेट करने लग गए अपनी बस का, उसके बाद हमारी बस आई और हमने यहाँ पे खड़े देखा गाइस, एक चीज़ हमें और अच्छी सी मिल गई, प्यारा सा सनसेट देखा हमने यहाँ पर। अभी 2 मिनटों का भी आता है, वहाँ पे पहुँच जाए पहले बस अड्डे। प्यारा सा सनसेट देख के मेरा तो मन खुश हो गया। उसके बाद हमारी बस भी आ गई और हमने बस पकड़ी लाल किला से दिल्ली, और यहाँ से हम निकल गए। और अभी तो भाई थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि बस में थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, फिर भी भीड़ तो होती है, बट बाइक के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर भी कम्फर्ट है। तो अभी हम निकल चुके हैं, बस तो आराम से चल रही थी, बट मैंने अपनी वीडियो को फास्ट चलाया क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना है वीडियो के एंड तक, क्योंकि आप लोग यहाँ तक रुके हो तो आप सबका धन्यवाद, जो रुके हो उनका भी धन्यवाद, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो देख लेना। सो अभी हम यहाँ पे रुकी थी हमारी बस, और मैं देख रही थी बेचारे लोग जो यहाँ पे लेटे हैं सड़क पर, उनको कितनी ठंडी लगती होगी, ऊपर वाला उनका भी कुछ इंतज़ाम करे मेरे मालिक। बाकी हम जितनी मदद कर सकते हैं सब हमें करनी चाहिए। हमें घर पहुँचते हो गई थी रात, और रात में हम घर पे जाके मैंने शूट करना मैं भूल गई लिटरली, मैं सच्ची बता रही हूँ, घर पे जाने भूल गया था। सो गाइस, हम अपने आप में और अपनी आवाज़ में बदलाव करने की पूरी कोशिश में है, जल्दी ही बदलाव आएगा हमारी वीडियो में भी एंड हमारी आवाज़ में भी, क्योंकि मैं बहुत जगह अटक जाती हूँ, रेगुलर नहीं बोल पाती। तो धीरे धीरे हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छी लगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।